महाराष्ट्र में सरकार बनाने की संभावित समिति बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी, एनडीए के सभी सांसदों को न्योता। शिवसेना के सांसद भी चाय पार्टी में लेंगे हिस्सा, प्रधानमंत्री आवास में किया गया इंतजाम। प्रधानमंत्री के बाद पहली बार एनडीए सांसदों से मिल रहे हैं मोदी, शाम 4 बजे है चाय का वक्त। आज सुबह 11 बजे हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे मौजूद। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता समारोह में होंगे शामिल, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल को भी न्योता। पंचकुला के मेला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर 5,000 पुलिस के जवान तैनात, एसपीजी एनएसजी भी मुस्तैद, 10 आईजी और 20 एसपी के जिम्मे वीआईपी सुरक्षा। महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा फिलहाल तय नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख 30 अक्टूबर को तय, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बना सकती है अल्पमत सरकार। शिवसेना चाहती है डिप्टी सीएम का पद, सूत्रों के मुताबिक वित्त और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर भी शिवसेना की नजर। बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास विभाग देने की पहल, पर्यावरण मंत्रालय भी शिवसेना को देने को तैयार है बीजेपी। महाराष्ट्र में सरकार पर बोले विनायक, शिवसेना आत्मसम्मान कायम रखकर ही करेगी फैसला, कहा बीजेपी अपने फैसले के लिए है स्वतंत्र। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की हो सकती है बैठक, इसी दिन मुंबई जा सकते हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। महाराष्ट्र के पूर्व नेता विपक्ष और बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने खोलकर जताई सीएम बनने की इच्छा, उत्तर महाराष्ट्र के विधायक खड़से के समर्थन में। नागपुर में उमा भारती ने की नितिन गडकरी से मुलाकात, कहा गडकरी थे ही नहीं सीएम की रेस में, उनके पास केंद्र में है बहुत सारे काम। वो सर्विस ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वो शिपिंग देख रहे हैं, वो साथ में गंगा भी वो ही देख रहे हैं, एक प्रकार से उन्हीं के संरक्षण में गंगा का काम हम कर रहे हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि मैं इस तरह की बातों की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई उनके बारे में ये चर्चा करे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नागपुर में संघ मुख्यालय में हुई मुलाकात, बिना हेलमेट स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे थे गडकरी। नितिन गडकरी ने कहा संघ प्रमुख से दीपावली की शुभकामना देने के लिए मिला, राजनीतिक नहीं थी मुलाकात, बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर बोले नागपुर में हेलमेट का नियम नहीं। केरल में आरएसएस के मुखपत्र केसरी में नेहरू को लेकर छपे लेख से उठा विवाद, लेखक बी गोपालकृष्णन ने कहा कांग्रेस और लेफ्ट कर रही है लेख की गलत व्याख्या। झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान, दोनों राज्यों में 5 चरणों में होगा मतदान। 25 नवंबर को चुनाव का पहला चरण, इसी दिन दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों पर भी होगा उपचुनाव। 2 दिसंबर को मतदान का दूसरा चरण, झारखंड जम्मू कश्मीर के साथ साथ डाले जाएंगे वोट। 9 दिसंबर को तीसरे और 14 दिसंबर को चौथे चरण का होगा मतदान, सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बूथों की होगी पहचान। 23 दिसंबर को होगी मतगणना, झारखंड जम्मू कश्मीर के साथ ही और दिल्ली विधानसभा उपचुनाव के आएंगे नतीजे। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड बीजेपी में उत्साह, कहा जनता को मोदी पर है भरोसा, राज्य में बीजेपी को मिलेगा बहुमत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया स्वागत, 3 बीजेपी विधायकों ने सांसद चुने जाने पर छोड़ी थी सीट। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, मुकेश शर्मा ने कहा दिल्ली में अनैतिक सरकार बनाने की मंशा विफल रहने के बाद बीजेपी अब कर रही है सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल।
बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, ट्वीट में लिखा बीजेपी विधायकों को बोगस वोट कराने का दिया गया है निर्देश। केजरीवाल ने कहा फर्जी मतदाताओं के जुगाड़ में जुटी बीजेपी, सोमवार को चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। पांच महीनों में अमीर हुए मोदी सरकार के कुछ मंत्री, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की संपत्ति पांच महीने में हुई दोगुनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति भी बढ़ी, मई में जेटली की संपत्ति 113 करोड़ 3 लाख रुपए थी, अक्टूबर में 1 करोड़ बढ़कर 114 करोड़ 3 लाख हुई। पीएमओ को दी गई जानकारी पर आधारित है एडीआर की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 91% मंत्री करोड़पति। पीएम बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से मिले नरेंद्र मोदी, संपादकों और मुख्य संपादकों के साथ रिपोर्टरों को दिया गया था न्योता। नरेंद्र मोदी ने कहा अकेले पीएम के झाड़ू थामने से मिशन कामयाब नहीं होगा, मीडिया ने अपनी कलम को बनाया झाड़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, समारोह में जानी मानी हस्तियां मौजूद। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी भेजा गया था न्योता, लेकिन इस समारोह में नहीं हुए शरीक। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में मिलिट्री कैंटीन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने पाया काबू, आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई पर असर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ की भीड़ के चलते हुआ हादसा, संपर्क क्रांति ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में दिखी भारी भीड़, बेबस नजर आया रेलवे। दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद पटाखों से घायल हुए बच्चे राजीव ने तोड़ा दम, पेट में घुस गया था कांच का टुकड़ा, दिलीप सिंह का नौजवान ग्लास के अंदर रखकर जला रहा था आलू बम। फुटबॉल टीम के बाद अब हॉकी टीम के मालिक बने महेंद्र सिंह धोनी, सहारा इंडिया के साथ मिलकर खरीदी हॉकी इंडियन लीग की रांची फ्रेंचाइजी। भारत और श्रीलंका के बीच पांच वनडे मैच की सीरीज करीब 2 नवंबर को कटक में खेला जाएगा पहला मैच। दुबई में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीतने से बस अब सिर्फ 6 विकेट दूर, दूसरी जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 438 रन का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बैन पर बोली बॉक्सर सरिता देवी, कहा भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय से उम्मीद, खत्म होगा बैन। कई कंपटीशन में मैं तो गोल तो मिला, काफी मेडल मिला, उसके बाद फिर मेरा एम ओलंपिक में और मेडल मिलने का, अपना देश का नाम रोशन करने का वो इच्छा था मुझे बहुत। दिल्ली में दिवाली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी, नहरों की सफाई का काम शुरू। 29-30 अक्टूबर को मनाया जाएगा छठ का पर्व, सूर्य पूजा कर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती है माएं। कनाडा में संसद पर हुए हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि, वॉर मेमोरियल पर उमड़े लोग। प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ने पूरा किया अपना पांचवा मिशन, प्रयोग के लिए 20 चूहे भी गए स्पेस स्टेशन। रोम में पहली बार आम लोगों के लिए खुला मुसोलिनी का एयर रेड बंकर, बमबारी के दौरान इसी में छुपता था मुसोलिनी और उसका परिवार।